थैंक यू। और मैं कह सकता हूँ कि आज खुश तो बहुत हो गया। किस लिए? क्योंकि बहुत वहाँ पे जो है डेकोरेशन था और ऊपर माहौल जो है खुशनुमा बना हुआ था। हाँ हाँ, कई दिनों से माहौल खुशनुमा ही है, और वो इसलिए क्योंकि मेरी ननद सिम्मी की दोबारा शादी हो रही है और एक लड़की अपनी बेड़ियों को छोड़ के आज़ादी वाली ज़िंदगी जिए, तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। सो आई एम डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी फॉर सिम्मी। और बात अगर रमन की करें तो वहाँ भी बड़ा छेड़छाड़ वाला माहौल चल रहा था कि... हाँ, रमन ने क्योंकि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, उन्होंने हमारे कमरे से जो उनके कज़न्स हैं उन्हें भगाने की कोशिश की थी ताकि वो मेरे साथ अलोन टाइम बिता पाए, एंड उन्होंने सबके सामने बोल भी दी ये बात, जो कि सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई है। एंड उसके बाद से लोग बस टांग खिंचाई ही किए जा रहे हैं। डांस करेंगी आप? बिल्कुल नहीं। डांस और रमन के साथ? बिल्कुल नहीं। वो इसीलिए क्योंकि रमन ने अभी सबके सामने मेरी वापस बेइज्जती कर दी। बड़ा मज़ा आता है इनको सबके सामने बेइज्जती करने में, तो मैंने भी बोल दिया इनके साथ कौन नाचेगा। मन में भले ही बात कुछ और हो लेकिन दिखावा तो करना पड़ेगा ना। रमन आजकल हरकतें ही ऐसी करते हुए क्या बोले, तो रमन ने सोचा कि वो ईशिता है और जाके उस ईशिता को उन्होंने गले लगाया, और बाद में पता चला कि वो ईशिता नहीं, वो मेरे अप्पा हैं। एंड उसे हंगामा हो गया। कह सकते हैं ईशिता कि ये ईशिता का जादू ही है कि रमन को अब अप्पा में भी ईशिता नजर आने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जाकर उन्होंने अप्पा को गले लगाया और मैंने सिम्मी को गले लगाया। मतलब मन के इरादे सेम थे लेकिन लोगों को लगा कि हमारे इरादे नेक नहीं थे। थैंक यू। वेलकम।